नमस्कार। आज की वीडियो हमारी रुद्राक्ष के ऊपर है और हमारा उद्देश्य केवल रुद्राक्ष को सेल करना ही नहीं है, बल्कि एक ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष आप सभी लोगों तक एक जेन्युइन प्राइस में पहुंचे। इसलिए हमारा उद्देश्य कि हम डायरेक्ट नेपाल से रुद्राक्ष जो है इम्पोर्ट करते हैं और बहुत जेन्युइन प्राइस में लोगों को रुद्राक्ष देते हैं। हमारे पास में आपको एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक के रुद्राक्ष मिल जाएंगे, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष जो होगा वो नेपाली नहीं होगा, वो रुद्राक्ष या तो हिमालयन होगा या फिर रामेश्वरम का होगा, क्योंकि एक मुखी नेपाली रुद्राक्ष बहुत रेयर ऑफ रेयर होता है, जो कि जिस पर साक्षात भगवान शिव की कृपा होती है उसी को मिल पाता है। तो उसको सेल जिसको मिल जाएगा वो रुद्राक्ष उसको सेल नहीं करेगा, क्योंकि तो एक मुखी रुद्राक्ष हम नेपाल का नहीं देते। और जो लोग एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल का बोल करके दे रहे हैं तो वो आपको सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक मुखी नेपाली रुद्राक्ष नहीं होता है। एक मुखी के नाम पर जो रुद्राक्ष मार्केट में मिलता है वो अंडर डेवलप्ड रुद्राक्ष होता है, जिस पर कोई फेस नहीं होता है, उसको वो एक मुखी रुद्राक्ष बना करके जो है सेल करते हैं। खैर वो तो एक मुखी की बात हुई, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रुद्राक्ष है। जैसे मैं कुछ रुद्राक्ष आपको दिखाता हूँ, ये रुद्राक्ष जो है सात मुखी रुद्राक्ष है। सभी रुद्राक्ष आपको हमारे पास में टेस्टेड मिलेंगे, लैब टेस्टेड मिलेंगे। कोई भी रुद्राक्ष बिना टेस्टिंग के हम नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो बल्क में रुद्राक्ष आते हैं, अब हर एक रुद्राक्ष की हम टेस्टिंग कराते हैं कि कहीं कोई रुद्राक्ष उसमें नकली तो नहीं है। और टेस्टिंग कराने का जब श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ये रुद्राक्ष असली है, तभी हम जो है रुद्राक्ष कस्टमर तक देते हैं। और रुद्राक्ष की आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि जो क्वालिटी हमारे रुद्राक्ष की होती है एकदम फ्रेश, क्योंकि रुद्राक्ष तो बहुत मिलते हैं मार्केट में, लेकिन उसका डिपेंड करता है कि रुद्राक्ष कितने साल पुराना है, क्योंकि ज़्यादा रुद्राक्ष ज़्यादा साल पुराना हो जाएगा तो उसमें कीड़ा लग जाता है और रुद्राक्ष की जो एनर्जी जो है कम हो जाती है। तो रुद्राक्ष सस्ते तो बहुत जगह मिल भी जाते हैं, लेकिन ये भी देखना होता है कि रुद्राक्ष की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि नेचुरल चीज़ है तो, और वो उसकी फ्रेशनेस कितनी की, यानी कि कितना ताज़ा रुद्राक्ष है। जैसे ये रुद्राक्ष आप देख सकते हैं वीडियो में, ये रुद्राक्ष एकदम फ्रेश है, एकदम ताज़ा रुद्राक्ष है, मतलब ये 6 से 7 महीने पुराना ही रुद्राक्ष है। बाकी आप हमारे रुद्राक्ष की टेस्टिंग भी चेक कर सकते हैं, हर एक रुद्राक्ष जो है हम टेस्टिंग के साथ में ही देते हैं। रुद्राक्ष माला की भी बात करो तो रुद्राक्ष माला ही हमारे पास मिल जाएंगे। जैसे ये पंचमुखी रुद्राक्ष माला है, आप देख सकते हैं। अब एक ये रुद्राक्ष माला है जो कि नेपाली रुद्राक्ष से बनी हुई है, और एक रुद्राक्ष माला जो कि मार्केट में मिल जाती है। अब इस रुद्राक्ष माला में और इस रुद्राक्ष माला में आप डिफरेंस देखिए, ये जो माला है ये कलर की हुई माला है जो कि मार्केट में मिल जाती है। इसके दाने आप देख सकते हैं, इसमें रुद्राक्ष में जो है कलर किया हुआ है। इसके रुद्राक्ष जो है ये प्लास्टिक के तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बहुत लो क्वालिटी के दाने हैं और इसमें कलर करके इनको एक शाइनिंग दे दी गई है। आप इस रुद्राक्ष माला को पानी में डालेंगे तो ये अपना कलर छोड़ देती है, उसके बाद में इसके रुद्राक्ष जो है अंदर से काले दिखाई देते हैं आपको। लेकिन ये जो माला जो हमारे पास में माला, ये प्योर नेपाली रुद्राक्ष माला है और कोई इस पर कलर नहीं किया हुआ, एक नेचुरल जो कलर होता है वही इसका कलर है। तो ये काफ़ी डिफरेंस होते हैं जो रुद्राक्ष और जगह जो मिल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सब लोग खराब ही रुद्राक्ष दे रहे हैं, आप जहाँ से भी रुद्राक्ष खरीदें तो एक ऑथेंटिक शॉप से ही रुद्राक्ष खरीदें, क्योंकि रुद्राक्ष में नकली बहुत चीज़ें आती है। तो बाकी आपको रुद्राक्ष के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी डिटेल लेनी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर।